नमस्कार दोस्तों, निरामया हेल्थ सेंटर के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक फीमेल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है PCOS, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। बिल्कुल दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 20% फीमेल्स को, यानी हर 5 में से एक फीमेल को इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी अपने लाइफ में गुजरना पड़ता है। जनरली ये प्रॉब्लम जो है आप 15 से लेकर 30 साल के बीच में फीमेल्स में देखा जाता है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 कॉमन साइंस ऑफ PCOS और PCOD, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ PCOS बताएंगे, जिसमें सबसे पहला जो साइन है वो है इररेगुलर पीरियड्स, यानी आपके जो पीरियड्स हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं। इररेगुलर जनरली क्या है कि पीरियड्स का नॉर्मल ड्यूरेशन जो है वो है 25 से लेकर 35 दिन। तो इररेगुलरिटी में क्या हो सकता है, या तो ये 25 दिन से कम हो जाएगा पीरियड्स, या फिर 35 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, या एब्सेंट हो जाएगा, या कोई इसका कोई फिक्स डेट नहीं रहेगा, कभी भी हो जाएगा। फ्लो बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, पेन भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये जो है ये है इररेगुलर पीरियड्स, बहुत कॉमन सिम्टम है। सबसे पहला सिम्टम यही होता है, जब भी किसी भी फीमेल को पीरियड्स इररेगुलर हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं इस तरफ जाना चाहिए। और दूसरा जो सिम्टम है वो है वेट गेन। ये लगभग 80% फीमेल्स में देखा गया है जिनको PCOS की शिकायत रहती है, वेट गेन उनको डेफिनेटली रहता है। और ये जो वेट गेन होता है दोस्तों, ये हार्मोनल होता है, इसका आपके डाइट से रिलेशन नहीं होता है, ये हार्मोनल होता है। और बहुत सारी फीमेल्स ने ये नोटिस किया होगा जिनको PCOD है, कि वेट लॉस जो है, वेट जो गेन हुआ है उसको लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज डाइटरी फैक्टर नहीं है, हार्मोनल कारण है, तो वेट जो बढ़ता है फिर उसको घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक PCOD का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एक्नी एंड हेयर लॉस। बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है, हर फीमेल की बॉडी में थोड़े मात्रा में मेल हॉर्मोन्स रहते हैं। PCOD में क्या होता है, जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, इसी वजह से एक्नी यानी पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं, फेस जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस में दोस्तों एक पैटर्न होता है जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोला जाता है, यानी जो हेयर लाइन है वो थोड़ी थोड़ी पीछे जाने लगती है। ये जो दो जगह पे थोड़ी सी हेयर लाइन रिसीड होने लगती है, बाल पतले होने लगते हैं। साथ साथ में कुछ एबनॉर्मल जगहों पे बालों का, जो फीमेल में जनरली नहीं होता है, उन जगहों पे बालों का ग्रोथ होने लगता है, जिसको हिर्सुटिज्म बोला जाता है। फेशियल हेयर्स ग्रो होने लगते हैं, फेशियल मस्टाच हेयर ग्रो होने लगते हैं, अदर जो बॉडी हेयर्स है वो भी बहुत थिक और बहुत ज्यादा होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सर पे तो बाल कम होने लगता है और जो अदर एरियाज है फेस चेस्ट में क्या है कि बाल ज्यादा होने लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है PCOS का वो है इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन। काफ़ी महिलाएं जब वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, यानी वो जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, उस टाइम पे जब वो डॉक्टर को दिखाती हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, तब देखा जाता है, जब टेस्ट वगैरह किया जाता है तो देखा जाता है कि PCOS या PCOD की दिक्कत है। तो वहाँ पर वो फाइंड आउट होता है कि इनको इनफर्टिलिटी की समस्या है। एक्चुअली इनफर्टिलिटी नहीं है, PCOD है। ये इनफर्टिलिटी एक तरह से टेम्परेरी होती है, तो जैसे आपका PCOD का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाता है। बिल्कुल, इसके बाद जो हमारा आखिरी सिम्टम है वो है मूड चेंजेस। मूड में कुछ भी हो सकता है कभी, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, तो जैसे जैसे हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, कभी हार्मोन ज़्यादा है तो फिर गुस्सा वगैरह ज़्यादा होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, कभी हार्मोन लो है तो डिप्रेस्ड रहेंगे, एकदम रोना आएगा। टोटल जो मूड है वो हार्मोनल इम्बैलेंस पे डिपेंड करता है। तो मूड चेंजेस इस टाइम पे PCOD के टाइम पे बहुत कॉमन होता है। और एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये जो दो समस्या है जो नॉर्मल महिला है उनसे 3 times ज्यादा रहता है, जो PCOS या PCOD से जो जिनको समस्या है उनको ये एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या 3 times रहती है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया कि इंडिया में ऑलमोस्ट 20% फीमेल्स को इस ट्रबल से गुजरना पड़ता है, तो अगर आप में इस तरह का कोई भी सिम्टम पाया जाता है तो मेरी राय है आप डॉक्टर से जल्द जाके मिले और अपने प्रॉब्लम का
जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पा लें। हम अगले कुछ वीडियोस में पीसीओडी की होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर भी आपको बताएंगे, वो वीडियो भी आप जरूर से देखें इसका घर बैठे सॉल्यूशन पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।